कि वो ब्रह्मा मंदिर ना जाए, पहले सरोवर जाए। तीर्थ गुरु ब्रह्मा मंदिर से एक मिनट का रास्ता है सरोवर का। ऐसे पुष्कर तीर्थ में जो नर करे ना स्नान, वो नर पशु समान या मनकर कोई प्राण। ऐसे पुष्कर चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मोदी जी पुष्कर आ रहे, इस चीज के लिए बहुत खुशखबरी है। और पुष्कर आने का महत्व है कि ब्रह्मा का जल का पहले स्नान, जल का पूजन, फिर ब्रह्मा का दर्शन, इसकी मान्यता ही है। और आज पवित्र निर्जला एकादशी है। ब्रह्मा जी पे यहाँ आने से उनके जो पुष्तौनी पुरोहित है, वो हमें, जो हमारे परिवार के हैं, जो हमारे दादा परदादा ने इनके नाम लिखे हैं, जो दादा परदादा के नाम लिखे हुए हैं, ये बड़नगर घाची समाज, मोड़ घाची समाज के हैं। तो इनके परिवार से जो मेरे पास नाम लिखा है वो है भरत लाल जी, जगजीव जी, विट्ठल दास जी, मूलचंद जी, बनमाल जी और सोमचंद जी। मूलचंद जी के परिवार से हमें बताया गया है नारायण जी, पूनमचंद जी, मन्नू जी, नरेश जी और नरेंद्र जी। इनके साथ एक स्त्री भी साथ में आई उस टाइम, जिनका नाम रुकमा बाई है। ये इनके संबत 2036, 44 साल पहले की बात है। तो इनसे पहले भी जब वो आए थे, संबत 2008 की बात है, उनके परिवार से कोई आए थे दादा परदादा, जब हमारे दादा परदादा ने नाम लिखा था। तो स्टेशन होटल, ये इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि स्टेशन होटल पर जब उनकी चाय की दुकान थी, वो इसके बारे में हमारे यहाँ लिखे हुआ है। और गांव बड़नगर मोड़ गाची, इनके परिवार में दामोदर जी, नौरत जी, जीवन जी, क्रांतिलाल जी, इनके परिवार के पूरे आ रखे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे, और कोर्ट ने भी ये नियम कर रखा है, जिनके पास पुराने नाम होते हैं वही इनके पुरोहित माने जाते हैं। तो ये चीज़ बाद में दोबारा ना हो, तो जो पुराने पंडित है उनके वहाँ पे आए और जल का पूजन करें और ब्रह्मा का दर्शन करें। इनका मान्यता ये रहेगा, क्योंकि पुष्कर नाम जल का है, जल के लिए लोग आते हैं। बोलो ब्रह्मा जी भगवान। आप तीर्थ पुरोहित हो और ब्रह्मा मंदिर आ रहे हैं और सरोवर नहीं आ रहे हैं, इस पे क्या विचार है? देखो सर, इस चीज़ के लिए तो कोई चीज़ के लिए विकास नहीं है, कोई चीज़ उनके पास आगे टाइम होना चाहिए। पर उनका जो मेन जो काम था वो अजमेर के लिए था, पर आज वो पुष्कर आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी के दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो उनका यहाँ भी आना बहुत बड़ी बात होती है, पर कोई बात नहीं, यहाँ भी आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। और उनको सब चीज़ का मान करना चाहिए, और वो समझदार आदमी है, और उनकी वजह से जो युवा लोग हैं वो सब उनको आगे बढ़ाने के लिए, और जब तक वो प्रधानमंत्री है और आगे तक बने रहेंगे। आपका नाम बता दीजिए। गणेश पाराशर, गणेश पंडित पुष्कर। मैं उनका, मोदी जी का पुष्तैनी पुरोहित हूँ। 25/11/2000 को मोदी जी आए थे, उनके भाई सोमा भाई भी मेरे पास में आए थे, प्रहलाद भाई भी आए थे, उनके परिवार के सभी लोग पूर्व से भी आते रहे हैं, और मेरे भाई खाते में इनकी एंट्री वगैरह है। और मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी से यही प्रार्थना करता हूँ कि पुष्कर जी, आज जो जल का नाम है, स्वयं ब्रह्मा जी जल में निवास करते हैं, मंदिर में नहीं है। जो कि ब्रह्मा स्वयं जल रूप नारायण का है, पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, रामायण, सबका वर्णन आता है। और मैं यही चाहूँगा मोदी जी को, एक मिनट का समय निकालकर इस पुष्कर सरोवर के जल को पूजा करें, और सभी लोग, ब्राह्मण लोग, सबको मायूसी छा रखी है कि घाट पे नहीं आएंगे, ऐसा माहौल बन रखा है। और ब्राह्मणों का यही है कि एक दफा आकर पूजा करें, और सभी ब्राह्मण उत्साहित हो रखे हैं कि घाट पे आके पूजा करेंगे। परंतु अभी तक हमारे पास में कोई इतला नहीं है कि घाट पे आएंगे। पंडित हरिगोपाल पाराशर, ब्रह्मघाट। माननीय प्रधानमंत्री जी का अजमेर जिले में एक सभा का कार्यक्रम निश्चित हुआ। तीर्थ पुरोहित संघ का शिष्टमंडल तुरंत ही अजमेर जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी शर्मा से मिला, और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से और पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों की आस्था से उनको अवगत कराया कि पुष्कर तीर्थ का महत्व क्या है। पुष्कर यात्रा का मतलब ब्रह्मा जी का सरोवर, ब्रह्म सरोवर, जिस जल का संकल्प करते हैं, जिसमें डुबकी लगाते हैं, जिसपे भगवान, मुनि, ऋषि मुनि, राजनेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, अनेकों लाखों करोड़ों मतावलंबी श्रद्धालु यहाँ पुष्कर सरोवर की यात्रा कर चुके हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि मोदी जी की यात्रा पुष्कर की भी हो, उस आधार पे मोदी जी की यात्रा का, पुष्कर का आज दिन है। लेकिन अभी संशय बना हुआ है कि मोदी जी पुष्कर सरोवर पे आएंगे या नहीं। लेकिन आज सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा तीर्थ पुरोहित संघ के कार्यकर्ताओं के आधार कार्ड मांगे गए हैं उनके पास जारी करने के लिए। तो हमें आशा है, विश्वास है कि मोदी जी, धार्मिक तीर्थ गुरु, पुष्कर सरोवर की यात्रा पे जरूर आएंगे। सभी तीर्थ पुरोहित इसी आशा में हैं कि मोदी जी जब पुष्कर आ रहे हैं तो सरोवर की यात्रा जरूर करें, क्योंकि सरोवर की यात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रह्मा मंदिर न जाने से पहले तीर्थ गुरु पुष्कर जी जाए, आचमन करे,
स्नान करे, स्नान नहीं करे तो आश्वन करे, कानों के आगे मस्तक के भीगे कान हो गए स्नान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूजा करवाने का अधिकार सिर्फ हमारा है। पहले वो किसी अन्य पंडित से पूजा करवा चुके हैं, लेकिन सत्य की जीत होती है हमेशा। बस सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी यही अरदास है कि वो ब्रह्मा मंदिर ना जाए, पहले सरोवर जाए। तीर्थ गुरु ब्रह्मा मंदिर से एक मिनट का रास्ता है सरोवर का, सरोवर जाके आए, पूजन अर्चना करे, फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करे, ब्रह्मा देव भी उनपे कृपा बरसाएंगे। ऐसे पुष्कर तीर्थ में जो नर करे ना स्नान, वो नर पशु समान या मनकर को। स्टेशन रोड गांव बड़नगर मूड़ गाछी, पुष्कर जी आए, नरसिंह जी, मूलचंद जी, मगन भाई, दामोदर जी, इनके पिताजी का नाम है रोदमल जी, जीवन कांति जी, हाँ बोले, ये आए थे संवत 2008, संवत 2008 आए थे ये। और ये आए थे उनके भाई, देखो ये मूलचंद जी बनमाली दास जी, सोमचंद मूल जी, नरोत्मल जी, पूनम चंद जी, मनु नरेश, नरेंद्र, साथ में रुक्मणी भाई, ये आए थे संवत 2036 में। ये श्रीनाथ जी की यात्रा करके तीर्थ गुरु पुष्कराज जी आए थे, इसमें 44 साल पहले के और 70 साल पहले के ये भाई खाते हुआ नाम है। हमारी एक अरदास यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भगवान उनको खूब लक्ष्मी दे, आगे बढ़ाए। इसमें पोते के अंदर आपके चाय का जिक्र है क्या? चाय का वो जिगर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब छोटे थे तब आए थे अपने पिताजी के साथ जी। और हमारे स्वर्गीय सत्यनारायण जी, एक बोलो बोले, हमारे दादाजी है सत्यनारायण जी काला, और हमारे दादाजी के दो पुत्र हैं, मेरे पिताजी पंडित श्याम नारायण जी और मेरे चाचा जी सूर्य नारायण जी जी। तो हमारे पिताजी हमारे दादाजी के साथ गए थे बटनगर, और नरेंद्र मोदी जी के पिताजी है दामोदर दास मूलचंद जी मोदी, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे पास आया करो, और हम जब भी पुष्कर आएंगे तो आपके पास ही आएंगे। हमारे पास इनका पूरा रिकॉर्ड है। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम है पंडित अर्जुन नारायण पराशर, मेरे पिताजी का नाम है पंडित श्याम नारायण जी। क्या दर्शन और स्नान से वंचित हो जाते, मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं आए हैं सरोवर के ऊपर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुष्कर जी तो यहाँ पर पुष्कर जी की धरा में पैर रखना ही एक बहुत बड़ी कल्याणकारी बात है। आपका नाम बता दीजिए। नरेंद्र पाठक। इस साल पहले मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उस समय मेरा उनसे मिलान हुआ था और बहुत ही अच्छे से मिलान हुआ। अभी सरोवर नहीं आ रहे हैं तो इस पर क्या विचार है? सर देखो, सरोवर तो आना ही चाहिए, परंतु कुछ मजबूरियां भी होती है जिसके कारण सरोवर पर नहीं पधार रहे हैं, कारण कि आज निर्जला एकादशी है।